Hi everyone, welcome to my channel ReShine, where we talk about fashion, beauty, lifestyle or health care. In today's video, I am going to share with you 5 simple tips to look good in every outfit. Fashion is not about wearing expensive branded or trendy clothes. फैशन तो वो है जब आप कोई सिंपल सी ड्रेस पहने और उसे पहनने के बाद आप और भी ज़्यादा खूबसूरत लगे, आप कितने कंफर्टेबल हैं, कितने कॉन्फिडेंट हैं उस ड्रेस में, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आज मैं आपके साथ ऐसे ही 5 सिंपल टिप्स शेयर करने वाली हूँ जिन्हें आप फॉलो करके और भी ज़्यादा खूबसूरत, एलिगेंट और सोफेस्टिकेटेड लग सकती हैं। तो बिना टाइम को वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। टिप नंबर 1 इज़ कम्फर्ट। मेरे लिए सबसे ज़्यादा जो मैटर करता है वो है कंफर्ट। हाउ मच आई एम कंफर्टेबल इन माय ड्रेस और आउटफिट, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर मी। व्हेन यू आर नॉट कंफर्टेबल इन योर क्लोथ्स, वॉट एवर यू वेयरिंग, यू विल नेवर लुक कॉन्फिडेंट। ट्राई कीजिए आप वो चूज़ करें जिसमें आप ज़्यादा कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंट रहें। सपोज़ करें आपने अपनी फ्रेंड या किसी सेलिब्रिटी को देखकर कोई ड्रेस ली है जो या तो बहुत छोटी है या आपके स्टाइल की नहीं है, और उसे पहनने के बाद आप बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं और ऐसे में आप अपना कॉन्फिडेंस लूज़ करते हैं। कोशिश करें कपड़े वो लें जिसमें आप अपना बेस्ट दे सकें। आप दूसरों से रेफरेंस ले सकते हैं, बट उस जैसी ड्रेस को आप अपनी स्टाइल में ट्राई कर सकते हैं। आप अपनी बॉडी को सबसे ज़्यादा जानते हैं, अपनी बॉडी शेप को ध्यान में रखकर आप कपड़े चुनें। सेकेंड इज़ क्वालिटी। ऑलवेज रिमेंबर, आप जो भी पहने या खरीदें वो वेल स्टिच्ड हो, द क्वालिटी ऑफ द फैब्रिक शुड बी गुड। नेक्स्ट टाइम जब आप कोई कपड़ा खरीदने जाएं तो इन बातों का ध्यान ज़रूर रखें कि वो वेल फिनिश्ड हो, वेल स्टिच्ड हो और उसका फैब्रिक बहुत अच्छा होना चाहिए। वे आप चाहे किसी लोकल मार्केट से लें या किसी ब्रांडेड स्टोर से लें, कभी भी क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। थर्ड इज़ हाईलाइट योर प्लस पॉइंट्स। कहने का मतलब ये है कि आपके बॉडी का सबसे खूबसूरत पार्ट जो हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे किसी की आंखें बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती हैं तो किसी के बाल बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, किसी की नेक बहुत लंबी होती है तो किसी का फिगर बहुत अच्छा होता है, तो उसको हाईलाइट करें जिससे कि लोगों का ध्यान आपके फ्लॉस के बजाय आपके खूबसूरती पर ध्यान जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी आंखें खूबसूरत हैं तो उसे और भी ज़्यादा एनहांस कर सकती हैं। आप उस पर आई शेडो, आई लाइनर, मस्कारा लगा के उसे और भी ज़्यादा प्रेजेंटेबल बना सकती हैं कि लोगों का ध्यान आपके फ्लॉस के बजाय आपके खूबसूरती पर जाए। टिप नंबर 4, लेस इज़ मोर। मतलब कि जितना कम आप खुद को एक्सेसराइज करेंगे उतने ज़्यादा आप खूबसूरत, एलिगेंट और सोफेस्टिकेटेड लगेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने कानों में कोई चंकी ईयरिंग्स पहनी है तो कोशिश करें नेक में कुछ भी ना पहने, या पहनना भी है तो उसे कुछ सिंपल ही पहने। या फिर आप अगर नेक पे पहनते हैं कोई बड़ा चोकर या फिर कुछ पहनते हैं तो कानों में आप छोटे सिंपल ज्वेलरी ईयरिंग्स पहन सकते हैं। तो कीप इट सिंपल, इट लुक रियली वेरी गुड। आप देख सकते हैं कि मैंने ये पहना हुआ है, एक पतली सी चेन है, हाथ में बस एक रिंग है, दैट्स इट, इट कॉम्प्लीमेंट माई लुक। आप मेरी इस फोटो को देख सकते हैं, मैंने अपने इस मेकअप और ज्वेलरी को कितना मिनिमल रखा है। नंबर 5 और लास्ट है बाय बेसिक्स। हमेशा बेसिक में इन्वेस्ट ज़रूर करें। वाई? बिकॉज इट विल नेवर गो आउट ऑफ स्टाइल। वाइट, ग्रे, न्यूट्रल्स, ये आपके वार्डरोब में ज़रूर होने चाहिए। इनके साथ मिक्स एंड मैच करके एक नया आउटफिट बना सकते हैं, आपको कलर कॉम्बिनेशन के ऑप्शंस ज़्यादा मिल जाते हैं। द बेनिफिट ऑफ इन्वेस्टिंग इन बेसिक इज दैट यू कैन क्रिएट मैनी मोर आउटफिट्स। आप ये मेरा प्लाजो वाला वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने सिंगल प्लाजो से डिफरेंट लुक क्रिएट करे हैं। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आई बटन में डाल दूंगी, वहां से आप चेक कर सकते हैं। ये छोटी छोटी टिप्स को फॉलो करके आप अपने ओवरऑल लुक को और भी ज़्यादा एनहेंस कर सकते हैं। आई होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें जिससे आने वाली मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, कीप शाइनिंग।